हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको एसएससी जेई 2024 से रिलेटेड जो एक खबर चल रही है इस समय कि बीटेक अलाउ इन जेई 2024, तो इसमें ये जो कई प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि बीटेक अलाउ कर दिया गया है क्या, कि बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं, आगे क्या प्रोसेस है, तो डिप्लोमा होल्डर को यह एक बड़ा झटका लगा है। क्या करना होगा इस वीडियो में आप देखिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये बीटेक अलाउ हुआ है, यह किस प्रकार से, क्या इनको छूट मिली है, कैसे मिली है, और इसके बाद डिप्लोमा होल्डर क्या कर सकते हैं आगे ताकि ये बाहर हो जाएं। और ये बात तो निश्चित है कि बीटेक अलाउ नहीं होगा, लेकिन जो इनको एक थोड़ी सी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें क्या कहा गया है, उस पूरे लेटर को मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो UP SSC JEE 2024 में बीटेक अलाउ करने की बात की जा रही है, उसमें क्या हकीकत है, और हम लोगों को जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको अब क्या करना है, क्योंकि अब थोड़ी सी लड़ाई बढ़ गई है, और हम लोगों का किस तरह से क्या करना है डिप्लोमा होल्डर को, ताकि बीटेक वाले जिस तरह से बाहर हैं वह बाहर ही रहें। इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हर जगह ये चीज़ चल रही है कि बीटेक अलाउ इन UP SSC JEE 2024, और लोग सुप्रीम कोर्ट का एक PDF है उसको कोट कर रहे हैं कि ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको वो PDF भी दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इसमें क्या बातें कही गई हैं और क्या बात हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक PDF है, कोर्ट नंबर 12, सेक्शन XI, सुप्रीम कोर्ट। और इसमें जो है पिटिशनर भी हैं, और ये SLP स्पेशल लीव टू अपील करके इसमें किया गया है, क्योंकि ये चीज़ें अंग्रेजी में दी गई हैं। इसको मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में बताता हूँ हिंदी में कि इसमें क्या बातें कही गई हैं। हाँ, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरे डिटेल से। एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने JEE भर्ती 2024 पर निम्न आदेश दिया है। नंबर 1, सिंचाई विभाग की नियमावली के खंड 8 1992 के अनुसार JEE पद के लिए सिर्फ डिप्लोमा अर्हता था, लेकिन इसी विभाग के नियमावली के खंड 5 1993 के अंतर्गत JEE के सिविल पर बीटेक को अर्हता माना गया है। चूंकि नियमावली में इस विरोधाभास का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और सेवा नियमावली में संशोधन करके बीटेक को 2007 में JEE पद से बाहर कर दिया गया है, और इस भर्ती में सिंचाई विभाग की सीटें हैं, इसलिए बीटेक वालों को अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में जो बातें कही गई हैं, देखिए देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट रूल नंबर 8 1992 सर्विस रूल में कर एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ द इफेक्ट ओनली डिप्लोमा होल्डर, यानी केवल डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाउ एवर रूल नंबर 5, यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, कर रूल नंबर 5 इन 1993 सर्विस रूल
पार्टेनिंग द ग्रुप बी इंजीनियर। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रुप बी है यह है, ग्रुप बी की जब बात आती है तो यहाँ पर प्रमोशन से लेकर के सब बातें आ जाती हैं, जबकि आप जानते होंगे कि जेई जो है ग्रुप सी की जॉब है। तो जब ग्रुप बी की बात आ गई तो वहाँ पर बीटेक को अलाउ किया गया था, लेकिन देखिए फिर जो है रूल में अमेंडमेंट करके 2007 में बीटेक को जूनियर इंजीनियर से बाहर कर दिया गया है। इसलिए इन दोनों का विरोधाभास है, तभी जा करके आप जानते हैं कि जेई 2024 की लास्ट डेट की फॉर्म भरने की 7/6/2024 थी और इसको बढ़ा दिया गया है। इनको सिर्फ इतना कहा गया है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे शैल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस पेंडिंग फर्दर ऑर्डर, यानी हमारे आदेश तक इनको प्रोसेस में जो सिलेक्शन प्रोसेस उसमें शामिल किया जाए, लेकिन ये आदेश नहीं है, ये सिर्फ एक अंतरिम आदेश है जिसका पालन आयोग को करने के लिए कहा गया है। तो ये चीज़ें इसमें देखिए मेंशन की गई हैं, वही बातें मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सिखा रहा है सिंचाई विभाग की नियमावली के खंड 8 1992 के अनुसार जेई पद पर सिर्फ डिप्लोमा आहर था, लेकिन इसी विभाग की नियमावली के खंड 5 यानी यहाँ पर ग्रुप बी की बात कर दी गई है 1993 के अंतर्गत जेई सिविल बीटेक को आहर माना गया है। चूंकि नियमावली में इस विरोधाभास का अभी तक समाधान नहीं हुआ है और सेवा नियमावली में संशोधन करके बीटेक को 2007 में जेई पद से बाहर कर किया गया है और इस भर्ती में सिंचाई विभाग की सीटें हैं, इसलिए बीटेक वालों को अगले आदेश तक चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो ये बातें इस जो नोटिस है, जो अंतरिम आदेश कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश की बात की जा रही है उसमें यही बातें मेंशन की गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीटेक वाले इसमें अलाउ हो गए हैं, क्योंकि इनको फौरी राहत मिली हुई है और अब डिप्लोमा होल्डर्स को लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में चल रहा था बीटेक वर्सेज डिप्लोमा, तो यहाँ से इनको राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने मान लिया था कि सिर्फ डिप्लोमा ही जेई के लिए एलिजिबल है, इसके साथ ही लोग चले गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस आदेश में कहीं भी डिप्लोमा होल्डर का जिक्र नहीं है, यानी डिप्लोमा होल्डर की बातों को नहीं सुना गया है, केवल इनको ये कह दिया गया कि हमको प्रक्रिया में शामिल किया जाए जब तक, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो उसी को मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने इनको 16 जुलाई तक जब जो डेट लगाया है दूसरी, यानी अगली डेट जो 16 जुलाई तक, तब तक इनको फॉर्म भरने की अनुमति दे दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर उनको इनको आदेश दे दिया है कि बीटेक अलाउ होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम लोगों को जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको अब ये करना है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखना है, क्योंकि आप जानते हैं यह ऐसा एक कानूनी प्रक्रिया है और इसमें एक लोगों के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा अब, क्योंकि बीटेक वाले इस चीज़ को थोड़ा सा उलझा रहे हैं, उनका कोई पॉइंट मजबूत नहीं है, बस केवल हम लोगों का वहाँ पर पक्ष नहीं रखा गया है, इसलिए इनको यह आदेश हुआ है। जब ही डिप्लोमा वालों का पक्ष रखा जाएगा और यह जो नोटिस है यह वापस भी हो जाएगी, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग पहले ये लोग जब गए थे लोक निर्माण विभाग PWD ऑफिस, वहाँ से लेटर निकलवाए थे, हम लोग गए दोबारा लेटर वापस कराए, ये लोग निर्माण निगम गए थे वहाँ पर इन्होंने लेटर इश्यू कराया, हम लोग दोबारा उनका विरोध किए, वहाँ से लेटर रद्द हो गया इनका। तो अब बारी है कोर्ट जाने की, क्योंकि डिप्लोमा वालों को भी अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ना जाने की दशा में इन लोगों
का निर्णय कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटना है। जिस तरीके से हम लोगों ने निर्माण निगम PWD में इनका पीछा किया और इनको हराया, अब बारी है सुप्रीम कोर्ट में इनको हराने की। इसके लिए जो हमारे संगठन है उसके लिए उसको आर्थिक मदद की आवश्यकता है, और उस मदद को एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती है क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक दो हेयरिंग में मैटर साल हो जाता है। और मैं यह निश्चित कर देता हूँ कि BTech वाले JEE के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये केवल भ्रम फैला रहे हैं और अलग अलग प्रकार से नोटिस दे करके प्रेशर बना रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और यह देखिए, यह एक अंतरिम आदेश है, आप इस बात को मानिए। अगर डिप्लोमा वाले अपने केस की पैरवी सही से करें तो 16 जुलाई के बाद यह आदेश वापस या परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि इनकी जो नोटिस लिखा नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट से आई हुई है लाडर, उसमें लिखा हुआ है कि यह जो नोटिस है या इसका जो आदेश है वह वापस या परिवर्तित हो सकता है। चूंकि इसमें अभी डिप्लोमा का पक्ष नहीं रखा गया है, इसलिए यह अंतरिम आदेश आ गया है। अब आप लोग तय कीजिए पैरवी करनी है कि नहीं, क्योंकि जानते हैं कि पैरवी जो हम लोग श्योर करेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है कि पैरवी की बात श्योर होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं की जाएगी। इसलिए आप जानते हैं कि पैरवी के लिए पेटिशनर और पैसा दोनों लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट के मैटर में पैसा लगना श्योर है। इसलिए आप अपनी सहयोग राशि के रूप में ये देखिए शिवेंदर राय करके हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म है इनका, ये फ़ोन पे है, ये गूगल पे है, ये UPI ID है। आप सभी लोग खाते में इनके आर्थिक सहयोग देना शुरू कर दीजिए। लगभग बहुत से बच्चों ने देना भी शुरू कर दिया है, और कम से कम 500 रुपया आप लोग अवश्य दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपया 50 रुपया से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। आप देख लीजिए शिवेंद्र राय, फ़ोन पे जो है 9781-77-66-90, गूगल पे नंबर यही है, और UPI ID जो है 9781-77-66-90@YBL। आप सभी लोग इस खाते में भेजना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आने जाने से लेकर के वहाँ पर वकील हम लोग एक मजबूत जो पक्ष रख सकें, जो पैरवी कर सकें, वैसा वकील के करेंगे। और बात चल रही है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी हैं, उनसे बात चल रही है कि क्योंकि यह एक वरिष्ठ वकील हैं, इनसे बात चल रही है अपने केस की पैरवी के लिए। इसलिए आपका जो सहयोग है वह अपेक्षित है। आप लोग इसको देख लीजिए, यही फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, आप इस पर आर्थिक सहयोग अभी से देना प्रारंभ कर दीजिए। और मैं दिखा देता हूँ, अभी बहुत से बच्चों ने आर्थिक सहयोग देना भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ ये देखिए फ़ोन पे है का स्कैन करिए इसको, और इसी पर आप भी भेज सकते हैं। फ़ोन पे ये है, फ़ोन पे ऐप से शिवेंद्र राय करके आएगा। और इसके साथ साथ ये जो हमारा संगठन है डेप्सवा, डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इससे आप जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, आप इस चैनल को जुड़ जाइए ताकि अधिक से अधिक जानकारी जो भी इससे रिलेटेड है उसे आपको दी जा सके। ये हमारा संगठन है डिप्लोमा इंजीनियर एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। और मैं सभी जो हमारे डिप्लोमा होल्डर भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ 2024 की वैकेंसी को लेकर के नहीं है। आप लोग जो लोग इस बार अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो अभी पास आउट हुए हैं, ये लोग इन्हें समझें कि इनको कोई लाभ नहीं है। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट से BTech बाहर हो जाता है तो आप जान लीजिए कि दोबारा भविष्य में ये लोग SSC से ही बाहर हो जाएंगे, DDA से ही बाहर हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पर ये लोग
कब्जा किए हुए हैं फर्जी तरीके से, सब जगह से ये लोग बाहर हो जाएंगे। फिर जिस तरह से आपने देखा होगा केवल BTC ही, DLED ही, DLED यानी प्राइमरी की भर्ती के लिए एलिजिबल है, उसी तरीके से केवल डिप्लोमा ही JEE की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आज आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये लोग और भी जगह मार करेंगे BTECH के लागू करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है, हम लोगों को एकजुट होकर के आर्थिक सहयोग करना है ताकि इस मुहिम को जो हम लोग शुरू किए हैं अच्छे से पैरवी किया जा सके सुप्रीम कोर्ट में, और एक वरिष्ठ वकील करना है इसलिए आर्थिक सहयोग ज़रूरी है। और जो लोग भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग इस संगठन से जुड़िए, और जो हमारे सीनियर्स आज जॉब कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अभी आर्थिक सहयोग करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि सबके सहयोग से ही यह सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैरवी हो पाएगी ताकि अधिक से अधिक आर्थिक मदद हो जाए और अच्छे वकील किया जाए, और इन बीटेक वालों को एक ही बार में बीटेक को बाहर कर दिया जाए ताकि ये दोबारा जो है दुस्साहस ना करें इस तरह का कृत्य करने के लिए। क्योंकि ये लोग बार बार आप देख रहे हैं कहीं किसी PWD चले जाते हैं, तो कहीं निर्माण निगम चले जाते हैं, तो कहीं हाई कोर्ट चले जाते हैं, कहीं 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 चले जाते हैं, हमेशा परेशान करने के लिए और भर्ती को फंसाने के लिए इस तरह का बातें वो लोग करते हैं। और एक बात मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मैं कई लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ कि जो लोग पेट इस बार नहीं दिए हैं वह लोग बीटेक वालों का साथ दे रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इनका साथ देंगे तो एटलीस्ट आपका ही नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर ये लोग आप शामिल हो गए तो आप जानते हैं कि दोबारा ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि फिर आप ही की सीट खाएंगे। इसलिए जो लोग पेट नहीं दिए हैं वो ये जानते रहें कि आगे ही वैकेंसी UP SSC से आने वाली हैं, या अभी जहाँ भी UP SSC के अलावा और भी जहाँ वैकेंसियाँ आएंगी स्टेट में, चाहे UPPCL हुआ चाहे UPIVL हुआ, सब जगह से BTECH को हटा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं आपका ही लाभ है। इसलिए आप उनके बहकावे में ना आइए और केवल डिप्लोमा होल्डर का साथ दीजिए, हमारा जो संगठन है उससे जुड़िए, नहीं तो आप ये समझिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। इन सब बातों के तहत आप जान रहे हैं कि ये हमारा संगठन है, इसको आप देख लीजिए, डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, आप इसको टेलीग्राम पे जुड़ जाइए इससे, और कोई भी अपडेट हो तो आप इसको इससे आपको प्राप्त होता रहेगा कि डिप्लोमा इंजीनियर संघ क्या आपके लिए कर सकता है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तथा मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि कितनी कितनी सहयोग राशि लोग दे रहे हैं और अधिक से अधिक लोग सहयोग राशि दे रहे हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है, जो लोग पेट नहीं दिए हैं उनसे भी निवेदन है, जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग सहयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। यह एक अंतरिम आदेश है कोर्ट का और ये परिवर्तित और वापस भी हो सकता है, क्योंकि अगली हियरिंग जो है हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, अगली हियरिंग जो है 16 जुलाई को है, इसी में हम लोगों को सब कुछ करना है, इसलिए हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। आप लोग जितना जल्दी हो सके आर्थिक सहयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि कई लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो में कि बहुत से बच्चों ने सहयोग किया है, एक दो बच्चे नहीं हैं, वे लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं। देखिए देखिए 500 रुपये का सहयोग किया गया है, आप देख लीजिए, और देखिए 12 जून की 1:57 पर इन्होंने किया है, ये देख लीजिए, ये भी 1:55 पर इन्होंने सहयोग किया हुआ है 500 रुपये का, आप देखिए कि फिर देखिए 3 बजे 12 जून को सहयोग किया है 500 रुपये का, यानी कम से कम 500 रुपये का सहयोग आप लोग अवश्य करिए।
देखिए 500 रुपये का सहयोग किया है इन्होंने 12 जून को 3:30 PM पे। देखिए लगातार बच्चे जो है सहयोग कर रहे हैं। देखिए 500 नहीं, सब लोग जो है 500 से अधिक का ही सहयोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, अगर आपको विश्वास नहीं है इस नोटिस पे, तो आप, मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ और ये आदेश जो है वापस हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग अपना पक्ष वहाँ कोर्ट में रखेंगे ताकि हमारी जो बात है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट सुने और इनको, बीटेक वालों को, इस जेई वाली भर्ती से बाहर कर दे। और ये आखिरी लड़ाई है, इसमें आप लोग सहयोग कर दीजिए। ये लड़ाई एक बार सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत जाएंगे, दोबारा बीटेक वाले कभी इस तरह का दुस्साहस नहीं करेंगे जो हम लोगों के रास्ते में रोड़ा बन सकें। इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए और आर्थिक सहयोग करिए, और अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से एक छोटा सा सहयोग करने की कृपा करिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जितने भी प्रकार की जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार देती जाएगी। और आप देख लीजिए, यही आदेश है। और अगली डेट आप देखिए कि 16 जुलाई लगी हुई है और अंतरिम आदेश है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डिप्रेशन होने की आवश्यकता है। इस पर हम लोग अच्छे वकील करेंगे, वरिष्ठ वकील करेंगे और अच्छे से पैरवी करके अपने केस को जीतेंगे, क्योंकि अभी हमारा पक्ष नहीं सुना गया है। और ये सहयोग करने के लिए आपका UPI ID है, गूगल पे है, फोन पे है, आप इस नंबर से कर दीजिए पेमेंट। साथ अगर आपको नंबर से नहीं कर सकते हैं तो हमारा ये स्कैन है, यहाँ से आप स्कैन कर लीजिए, बार कोड है, यहाँ से स्कैन करिए और इस पर आपका सिवेंदर राय लिख कर आएगा, इस पर आप पेमेंट कर दीजिए। और साथ ही साथ आप हमारा जो संगठन है डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इस पर आप जुड़ जाइए और अपना आर्थिक सहयोग करते रहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कर दिया है। बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें शामिल करिए, जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, सबको इसमें शामिल करिए और बीटेक को बाहर करिए, क्योंकि एक बार अगर बीटेक जेई से बाहर हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो दोबारा इनकी कहीं नहीं जा पाएंगे। और इस बार हम लोग इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट से सज़ा भी दिलवाएंगे कि ये बार बार हम लोगों को परेशान करते हैं और इधर उधर की, जबकि कोर्ट का आदेश एक बार आ चुका है हाई कोर्ट का, लेकिन उसको ना मानते हुए ये केवल परेशान करते हैं और हर वैकेंसी को फंसाना चाहते हैं। और मैं बता दूं आपसे, इनका मेन मोटो है JEE 2024 को फंसाना। ये लोग यही कह रहे हैं कि हम इस भर्ती को इतनी आसानी से होने नहीं देंगे, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर संघ जो है, जो डेप्सवा हमारा ग्रुप है, इतना कमज़ोर नहीं है कि इनके फंसाने से हम लोग पीछे हट जाएंगे। आपने देखा होगा, दो बार APWD गए, वहाँ लेटर निकाला, हम लोग दूसरे दिन गए, लेटर को रद्द करवा दिया। ये लोग निर्माण निगम गए, वहाँ से उन्होंने लेटर इशू करवाया, हम लोग निर्माण निगम गए, वहाँ से इनके लेटर को रद्द करवा दिया। अब बारी सुप्रीम कोर्ट की है, ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट चलेंगे और इनको वहाँ हरा देंगे। तो आपका यह छोटी सी मदद, आपको इसी स्कैन करना इसी पर, या चाहे आप यहाँ पर गूगल पे और फोन पे पर आप छोटी सी मदद कर दीजिए, ताकि हम लोगों को इस लड़ाई में मजबूती मिल सके। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करते रहिए, ताकि आपको इस तरह की पूरी अपडेट सही सही आपको मिलती रहे। धन्यवाद।